नमस्ते। आज हम नेक्स्ट इशू की तरफ जाएंगे, जो कि है स्टीलिंग बिहेवियर। स्टीलिंग यानी बच्चा विदाउट किसी के परमिशन कुछ उठा लेता है या तो फिर चुरा लेता है, दैट इज कॉल्ड स्टीलिंग। तो ज़्यादातर ये बिहेवियर टीन एज में या एडोलेसेंस एज में ज़्यादातर पाया गया है, लेकिन कुछ बच्चों को छोटेपन में, बचपन में भी ये आदत लग जाती है या ये बिहेवियर उनमें दिखता है। तो आज हम इसके अभी पहले कॉजेज देखेंगे। पहला जो है कि फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर बच्चे में इनसिक्योरिटी फीलिंग है, उसको घर में या उसके फ्रेंड सर्कल में सिक्योर फील नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम में बच्चा ड्यू टू इनसिक्योरिटी स्टीलिंग बिहेवियर दिखा सकता है या दिखाता है। नेक्स्ट इज रिबेल अगेंस्ट इनजस्टिस। अगर बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ हर बार इनजस्टिस होता है, वो चाहे फिर घर में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है, हर बार उसको ही अवॉइड किया जा रहा है या उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है और उसके साथ हर बार इनजस्टिस होता है, तो उसका बदला लेने के लिए या रिबेल लेने के लिए बच्चा स्टीलिंग बिहेवियर दिखाता है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और थ्रिलिंग। ज़्यादातर ये देखा गया है कि एडोलेसेंस एज में या फिर टीन एज में बच्चा एक्साइटमेंट, उसको बहुत हर एक चीज़ की एक्साइटमेंट रहती है और थ्रिल रहता है, कुछ मैं अलग करके दिखाऊँ या कुछ अलग करूँ, करके देखूँ, इस बात का बहुत थ्रिल रहता है या एक्साइटमेंट रहता है। तो आउट ऑफ दैट थ्रिल और एक्साइटमेंट बच्चा स्टीलिंग बिहेवियर दिखाता है। नेक्स्ट वन इज अगर उसके नीड्स सेटिस्फाइड या फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त पे भी बच्चा स्टीलिंग बिहेवियर दिखाता है। उसके अगर कुछ उसको पैसे चाहिए उसके पेट्रोल के लिए, गाड़ी के पेट्रोल के लिए या मोबाइल के लिए या और किसी चीज़ के लिए थोड़े पैसे चाहिए, पर उसको घर में नहीं मिल रहे वो पैसे, तो फिर उसके अगर नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे या उसको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रहे और वो लॉजिकल है, उसको वो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल रही है, तो फिर ऐसे वक्त पे ऐसा देखा गया है कि बच्चा स्टीलिंग बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करता है। और फिर नेक्स्ट है कि एक्सेस डिसिप्लिन। अगर घर में, घर का एनवायरनमेंट भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है, अगर घर के पेरेंट्स उसके बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ओवर डिसिप्लिन है घर में, इसको हाथ नहीं लगाना, उसको हाथ नहीं लगाना, बार बार सब लॉक करके चाबियां छुपा के रखना, उसके ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं रखना और ओवर डिसिप्लिन, ऐसा अगर घर में एनवायरनमेंट है और पेरेंट्स उसके ऐसे हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट में भी, ऐसे फैमिलीज में भी बच्चा रिबेल करने के लिए स्टीलिंग बिहेवियर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने ये सब कॉजेस देखे, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे मैनेजमेंट पार्ट की तरफ। सो फर्स्ट मैनेजमेंट पार्ट आता है कि जैसा पेरेंट्स ने उसके साथ, जो अभी मैंने डिसिप्लिन का आपको डिसिप्लिन का जिक्र किया कि ओवर डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन आप रखो घर में, लेकिन बच्चा भी थोड़ा सेटिस्फाइड होना चाहिए या थोड़ा उसको भी उसकी स्पेस मिलनी चाहिए, थोड़ा फ्रीडम उसको मिलना चाहिए। सो ओवर डिसिप्लिन रखना या उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना, हमेशा ताला लगा के या लॉक, अलमारी को लॉक लगा के चाबी अपने ही पास रखना, या ऐसा ओवर डिसिप्लिन है उसको डांटना, ऐसा अवॉइड करना चाहिए पेरेंट्स ने। ओवर डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, बच्चे को उसका फ्रीडम या उसका स्पेस मिलना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है कि पेरेंट्स ने उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग द मनी और बोरोइंग द थिंग्स एंड स्टीलिंग, ये दोनों में डिफरेंस उसको समझाना चाहिए कि स्टीलिंग करना, चुरा लेना, ये क्या होता है, और किसी से चीज़ें जो चाहिए वो मांग लेना, उनको रिक्वेस्ट करके मांग लेना, ये दोनों में क्या फ़र्क है और इसमें से सही बिहेवियर कौन सा है। जो बोरोइंग है वो सही बिहेवियर है, स्टीलिंग करना सही बिहेवियर नहीं है, ये दोनों में का फ़र्क और इसका मतलब पेरेंट्स ने उसको बचपन से ही समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर टीनेज में बच्चा अगर ऐसा कर रहा है, तो टीनेज में भी उसको ये सब, उसकी क्या ज़रूरत है, क्यों वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये सब देखना और फिर उसको स्टीलिंग और बोरोइंग में का डिफरेंस समझाना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। नेक्स्ट आता है कि उसको सिक्योरिटी और लव फीलिंग पेरेंट्स ने देनी चाहिए, बच्चा सिक्योर फील कर सके या उसको लव अफेक्शन पेरेंट्स की तरफ से पूरा मिलना चाहिए, इसके ऊपर पेरेंट्स ने ज़्यादातर ध्यान देना ज़रूरी होता है।
और फिर नेक्स्ट आता है कि पेरेंट्स ने उसके साथ बार बार कम्युनिकेट करना चाहिए, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चे के बीच में हरदम होना चाहिए। तो फिर उसकी नीड्स क्या है, उसका सेटिस्फेक्शन किस में है, या उसको किस चीज़ों की ज़रूरत है। अगर अभी पेरेंट्स वो चीज़ें उसको नहीं अवेलेबल करके दे सकते तो उसका रीज़न भी आप उसको समझा सकते हैं कि कुछ दिन बाद हम लेंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ये सब चीज़ें स्टीलिंग वगैरह नहीं करना है। तो ये सब अच्छे से समझाए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बच्चा और पेरेंट्स के बीच में अगर रहा तो फिर बच्चा ये सब बिहेवियर नहीं करेगा। और अगर बच्चे में ये बचपन से आपको दिख रहा है स्टीलिंग बिहेवियर, तो फिर आपको वो क्रॉनिक होने से पहले ही काउंसलर को विजिट करना है या काउंसलर से कंसल्टेशन लेना है कि ताकि स्टीलिंग बिहेवियर उसका क्रॉनिक ना हो। तो ये सब उसके कॉजेस और मैनेजमेंट आज हमने देखे। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।